बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। एक सब्ज़ी फरोश कैसे मशरक़ वुस्ता ख़ास तौर पर लबनान की इतनी ताकतवर शख्सियत बन गया कि उसने इसराइल जैसे मुल्क पर भी खौफ तारी कर दिया। मैं बात कर रहा हूं हिजबुल्ला के अहम रहनुमा हसन नसरुल्ला की, जिनकी वजह से हिजबुल्ला को लबनान की सियासत में एक अहम किरदार मिला, जिन्होंने ख़ुद को एक मजबूत शख्सियत के तौर पर मनवाया। हसन नसरुल्ला पहले लबनानी आलिम हैं जिन्होंने इमाम खुमैनी से अमूर हसबिया का इजाज़ा हासिल किया और ख़ुद को इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के लिए वक्फ कर दिया। हसन नसरुल्ला के बेटे को शहीद किया गया और कई बार हसन नसरुल्ला पर भी दहशतगर्दाना जानलेवा नाकाम हमले किए गए, मगर उनका मकसद जारी रहा। आज हम जानते हैं उनकी शख्सियत के बारे में और ये भी जानते हैं कि वो शख्सियत कैसे इतनी ताकतवर बन गई। हसन नसरुल्ला सन 1960 में मशरकी लबनान के इलाके बोर्जी हमूद में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद अब्दुल करीम है। हसन नसरुल्ला अपने वालिद की सब्जी फरोशी की दुकान में उनके साथ काम करते थे। इब्तदाई तालीम अबाई इलाके में जूनियर हाई स्कूल, बैरूत और इंटर की तालीम अपने वतन में हासिल की। सैयद हसन नसरुल्ला ने नौजवानी में ही सियासी फालियत का आगाज किया। इंटर करने के बाद 1975 में हसन नसरुल्ला को आबाई इलाका अल बारोजिया में जंबिश अमल लबनान की सियासी तंजीम का नुमाइंदा बना दिया गया। लड़कपन में हसन नसरुल्ला को इराक के मुकद्दस शहर नजफ भेज दिया गया, जहां उन्होंने एक शिया मदरसे में कुरान और सियासत की तालीम हासिल की और यही मुलाकात सैयद अब्बास मूसवी से हुई, जो लबनानी अमल मलेशिया के रहनुमा थे। 1975 में जब लबनान खाना जंगी की लपेट में आ गया तो हसन नसरुल्ला का ख़ानदान जनूबी लबनान में उनके आबाई गांव बसोरिया चला गया। बसोरिया में ही हसन नसरुल्ला ने अमल तहरीक में शमूलियत इख्तियार की, जो कि उस वक्त लबनान में शियों की नुमाइंदा तहरीक थी। ये वो वक्त था जब हसन नसरुल्ला की उम्र 15 बरस थी। 1976 में हसन नसरुल्ला ने नजफ अशरफ में हिजरत की और 2 साल बाद वापस लबनान लौट आए, जहां उन्होंने अब्बास मूसवी के मदरसे में मजहबी तालीम और तदरीस का सिलसिला दोबारा शुरू किया। आने वाले बरसों में हसन नसरुल्ला लबनानी सियासत में पूरी तरह सरगर्म हो गए और उन्हें बका के इलाके में अमल मलेशिया का सियासी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया। 1979 में हसन नसरुल्ला को जंबिश शमल के सियासी दफ्तर का रुकन बना दिया गया और वो दरए बाग में उसके नुमाइंदा बने। व्यूअर्स, सैयद हसन नसरुल्ला ने 1981 में इमाम खुमैनी से अमूर हिजबिया का इजाज़ा हासिल किया और इस एतबार से वो पहले लबनानी आलिम हैं जिन्होंने इमाम खुमैनी से इस्तिलाह का इजाज़ा कसब किया है। उसके बाद हसन नसरुल्ला ने 12 ईरान का सफ़र किया, मुख्तलिफ जलसों में तकरीरें और मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें भी कं। ईरान के बाद फौजी कमांडरों के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात बने। हसन नसरुल्ला ने बारह अपनी तकरीरों और जलसात में ईरान की तरफ से हिजबुल्ला की हिमायतों की तस्रीह की है। 1982 में हसन नसरुल्ला जंबिश अमल से जुदा हो गए और हिजबुल्ला की बुनियाद रखी। 1982 से 1992 तक वो इसकी मरकजी कमेटी के रुकन होने के साथ फौजी यूनिट की तश्कील के ओहदेदार भी रहे। कुछ अरसे तक वो इब्राहिम अमीन अल सईद बैरूत में हिजबुल्ला के ओहदेदार के मुआविन भी रहे और कुछ मुद्दत तक हिजबुल्ला के अजराई मुआविन भी रहे। 1982 में जब लबनान में इसराइली दरअंदाजी के बाद हालात बदल गए, हसन नसरुल्ला ने खुद को इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत के लिए वफ कर दिया और हिजबुल्ला का मकसद जनूबी लबनान की वादी बका में इसराइली जहरीत के खिलाफ मज़ाहमत करना था। हिजबुल्ला की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ हसन नसरुल्ला मजहब का आलिम बनने का ख्वाब भी पूरा करना चाहते थे और इसलिए वो 1989 में ईरान के शहर कुम चले गए ताकि अपनी मजहबी तालीम का सिलसिला मुकम्मल कर लें। फिर 1982 में इसराइल की जहरियत के बायस हिजबुल्ला के रहनुमा अब्बास मूसवी जान की बाजी हार गए और फिर हसन नसरुल्ला को तंजीम का नया लीडर मुंतखब कर लिया गया। उस वक्त हसन नसरुल्ला की उम्र 32 बरस थी। 12 सितंबर 1997 में उनके बेटे सैयद हादी को जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों ने शहीद कर दिया। हसन नसरुल्ला की क्यादत में हिजबुल्ला इसराइल की एक अहम मुखालिफ के तौर पर उभरी। इसराइली अफवाज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंग की पॉलिसी अपनाई गई और ये मज़ाहमती तहरीक सन 2000 में 22 साल बाद जनूबी लबनान से इसराइली अफवाज के इनखला का अहम सबब बनी। सैयद हसन नसरुल्ला इस ओहदे की जिम्मेदारियों के बरसों में मुतादिद मरतबा जानलेवा नाकाम हमलों का शिकार भी हुए।
2003 में उनके खाने में जहर मिलाकर उनकी जान लेने की कोशिश की गई। 2004 में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान कैदियों के तबादले में भी अहम किरदार अदा किया और इस मुहदे को अरब दुनिया में हिजबुल्ला और हसन नसरुल्ला की फतह के तौर पर देखा गया। 2005 में लबनान के वजीर आजम रफीक हरीरी के कत्ल के बाद हसन नसरुल्ला ने मुल्क के मुख्तलिफ सियासी धड़ों के दरमियान एक सालिस का किरदार भी बखूबी अदा किया। हसन नसरुल्ला के लिए हिजबुल्ला सिर्फ एक ग्रोह नहीं बल्कि उनका कहना है कि उनकी तंजीम एक ऐसा पैगाम फैला रही है जिसकी बुनियाद दीन इस्लाम पर है। 2006 में जिस बिल्डिंग में हसन नसरुल्ला मौजूद थे उस बिल्डिंग पर इसराइली तैयारों की जानिब से बमबारी की गई। एक दहशतगर्द ग्रोह की गिरफ्तारी हुई जिनका मकसद सैयद हसन नसरुल्ला की गाड़ी पर हमला करना था। 2011 में भी इसराइली जंगी जहाज़ों ने एक इमारत पर हमला किया और गोले बरसाए। उनका ख्याल ये था कि हसन नसरुल्ला उस इमारत में मौजूद है। بسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليها حتما ولكن بشكل مناسب ومتناسب لأننا نريد أن نخدم هدف حماية بلدنا। व्यूअर्स, सैयद हसन नसरुल्ला इन्हीं खतरात के पेश नज़र गुज़िश्ता कुछ बरसों से मंज़रेआम पर बहुत कम नज़र आते हैं और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी 150 अफराद की एक टीम पर मुश्तमिल है। इस हिफाजती टीम की जिम्मेदारी अबू अली जवाद के जिम्मे है जिन्होंने कई सख्त और पेचीदा फौजी तरबियती दौरे ईरान में गुजारे हैं। 2010 में जब अरब स्प्रिंग का आगाज हुआ, अरब स्प्रिंग के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, अगर आप अरब स्प्रिंग के बारे में नहीं जानते तो इस लिंक पर क्लिक करें, आप इसकी तफसीलात जान सकते हैं। इस दौरान हसन नसरुल्ला ने तुनिसिया, मिस्र, बहरीन का साथ दिया। 2013 में हसन नसरुल्ला से मुतालिक ये तस्दीक हुई कि हसन नसरुल्ला ने शाम में होने वाली सिविल वॉर में भी किरदार अदा किया है। 2013 में ही लबनान का सियासी निज़ाम मफलूज हो चुका था जिसके बाद 2017 में काबीना ने 2018 के इंतखाबात के लिए एक इंतखाबी निज़ाम मंजूर कर लिया और हिजबुल्ला और उनके हमायतियों को नुमाइंदगी मिल गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। لا يستطيع أحد.